आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण दिन उन लोगों के लिए है जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर हमारे देश में रह तो रहे थे, किंतु उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही, और इसलिए अपने आप को कहीं न कहीं वे आत्मग्लानी में महसूस करते थे। अनेक बार अनेक राजनीतिक दलों ने वादे किए, वोट बैंक बनाया, उनको डराकर उनसे वोट बैंक वोट लिए, पर उन्हें नागरिकता मिले इस बारे में किसी भी राजनीतिक दल ने सार्थक प्रयास नहीं किए। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वे जहां भी गए उन्होंने कहा कि हम सीए भी लाएंगे, सीए भी के माध्यम से इस देश में रहने वाले वे नागरिक जो हमारे पड़ोसी देशों के अंदर प्रताड़ित होकर धार्मिक कारणों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए पड़ोसी देश छोड़कर हमारे देश में आकर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है, अपने वचन को निभाया है, और मैं समझता हूं ये जैसे ही बिल पारित हुआ वैसे ही इस देश के वे राजनीतिक दल जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनके चेहरे बेनकाब हुए।